हर खबर में हिंदुस्तान, मेरी पहचान। और इस वक्त बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो जान लीजिए आप। देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली के नरेला में किसानों का भारी हंगामा देखने को मिला है। पुलिस ने सिंघू बॉर्डर जाने से रोक दिया था। सिंघू बॉर्डर जाने से रोकने पर भड़के किसान, लखबीर हत्या के खिलाफ यहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और ये प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे यूपी उत्तराखंड के किसानों को पुलिस ने यहां रोक दिया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार से सुलह के लिए फॉर्मूला भी इनके पास तैयार हो चुका है और अब देखिए किस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो एक बार फिर से ये सिंघू बॉर्डर जाने की जिद पर अड़े हुए थे और दरअसल भारी हंगामा देखने को मिला दिल्ली के नरेला में किसानों का। ये भारी हंगामा जहां पुलिस ने सिंघू बॉर्डर जाने से रोक दिया इन्हें और दरअसल किसान यहां भड़क उठे। भड़के किसान लखबीर हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे यूपी उत्तराखंड के किसानों को पुलिस ने यहां रोका। यूपी और उत्तराखंड के किसान यहां दिल्ली पहुंचे हुए थे, नरेला में रोक दिया गया। हालांकि दिल्ली पहुंचने की इनकी जो कोशिश थी, सिंघू बॉर्डर जाने की जो इनकी कोशिश थी, इनको रोका गया तो किसान और भड़कते नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से। तो किसान आंदोलन को देखिए 11 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और इन सब के बीच में वक्त वक्त पे आंदोलन उग्र भी हुआ। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर दिल्ली के नरेला में ये तस्वीर देखने को मिली जहां किसान निकले हुए थे सड़कों पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान सिंघू बॉर्डर जाने की जिद पर थे और नरेला में भारी बवाल किया, पुलिस ने यहाँ इन्हें रोका। असली किसानों से फिर बातचीत। नकली किसानों को आईना बातचीत से सरकार ने किया बाहर। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और असली किसानों के बीच एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार असली किसानों के साथ अंदर खाने ही बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत से राकेश टिकैत और नकली किसानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि राकेश टिकैत और चढ़नी गैंग ने असली किसानों के नाम पर नकली किसानों का जमघट बॉर्डर पर लगा रखा है और अब वो अयाशी का अड्डा बन चुका है, जहां सरेआम हत्याएं होती है, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जबकि असली किसान तो खेत में है। और केंद्र सरकार ने नकली किसानों के गैंग को साइड कर असली किसानों से बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 22 अक्टूबर को किसान नेताओं से केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से बातचीत की। केंद्र सरकार ने असली किसानों को कृषि कानून पर सुलह के लिए दो फॉर्मूला सुझाए हैं। पहले फॉर्मूले में सरकार ने कृषि कानून के एक प्रावधान को रद्द करना, कुछ को स्थगित करने के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऑफर शामिल किया है, जबकि दूसरा फॉर्मूला है कृषि कानून के दो प्रावधानों को रद्द करना, एक को स्थगित करना और बाकी के लिए कमेटी बनाने का प्रावधान है। हालांकि सरकार ने किसानों के साथ बातचीत को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। अगर असली किसान सरकार के फॉर्मूले पर राजी होते हैं तो ये मोदी सरकार की बड़ी जीत होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या नकली किसान जो असली किसानों के नाम पर आंदोलन को हाईजैक कर रखे हैं वो इसके लिए तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।